माय किचन। आज का रेसिपी है चट्टम्बड़े। ये साउथ इंडिया का फेमस है, ये उडुपी होटल में सब बनाते हैं। तो बारिश का मौसम है फ्रेंड्स, बहुत ही गर्म खाने को कुछ भी अच्छा लगता है। तो हम ये चना दाल और उड़द दाल से बनाया हुआ, उड़द दाल हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा डालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो चना दाल में ही बनाएगा तो ये कड़क हो जाता है। इसके लिए बन के तैयार हो गया, आप भी बनाइए, घर में सब कुछ हो जाएगा। मैंने 1/2 किलो दाल लिया है चना का ये, और ये 3 स्पून उड़द का दाल लिया है। अभी इसको दोनों मिला के दो के भिगाने को रखते हैं 2 घंटा। तो फ्रेंड्स, मैंने 3-4 पानी में भिगाया हुआ था और ये 2 घंटे के लिए रखा था। देखिए किस तरह दाल फुला है, अभी इसका पूरा पानी निकलते हैं। पानी पूरा निकला है, अभी मिक्सी जार में बिगर पानी से पीसेंगे। मैंने पीसा, ये देखिए दरदरा पीसा है मैंने बिगर पानी से। इस तरह आप दरदरा पीस लीजिए बिगर पानी से, एकदम बारीक स्मूथ नहीं, कोर्स पीसा है। और इसको पूरा निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पूरा पीस के तैयार हो गया, देखिए दरदरा पीसा है मैंने। अभी इसको मैंने 2 टेबलस्पून नारियल बारीक कटा हुआ है और 2 टेबलस्पून कोथमीर बारीक कटा हुआ है, 3 हरा मिर्चा बारीक कटा है, और ये कांदा छोटा सा, कड़ी पत्ता 10-12 को बारीक कटा हुआ है, और 1/4 चम्मच हींग है, और नमक स्वाद अनुसार 1/4 टीस्पून लिया है, और 1/4 चम्मच हल्दी। इन सबको हम इसमें डाल देते हैं। मैंने अदरक हींग डाला क्योंकि गैस ही होता है चना का दाल। अब इन्हें मिक्स करते हैं। मैंने पूरों को मिक्स किया फ्रेंड्स, अभी इतना छोटा छोटा लींबुआ से भी थोड़ा सा ज्यादा गोल करेंगे और ये प्लेट में रखेंगे। ये सब इस तरह मैंने लींबू से भी थोड़ा सा बड़ा करके रखा है। देखिए सब बना के हो गया है। मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए और ये गरम भी हो गया है। देखिए इस तरह लेते हैं एक टिक्की को, ये टिक्की आकर देंगे इस तरह, और इसमें डाल देते हैं। मैंने डाल के पूरा हो गया फ्रेंड्स। अभी गैस को थोड़ा मैंने मीडियम रखा है, अभी ये बबल्स आने का बंद होने का, अभी घुमाने का नहीं इसको, ये टूट जाएगा, थोड़ा पकने दे इसको। अभी बबल्स कम हो गया फ्रेंड्स, अभी टर्न करते हैं इस बाजू, तेल भी अच्छा से गर्म हो गया था, अभी मीडियम रखा है, ये धीमी आंच में मीडियम में पकने देंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये हो चुका है, अभी इनको पूरा निकालते हैं। देखिए कितना अच्छे तरह से बन के तैयार हो गया। ये देखिए मैंने लास्ट बैच भी डाल दिया है, अभी इनको भी निकालते हैं सब। हो गया अभी, मैंने थोड़ा मिर्ची लिया फ्रेंड्स, इनको अच्छे से धो के पोंछ के सुखाया है, ये तीखा मिर्ची नहीं है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लगाते हैं इस तरह। मैंने पूरा मिर्चों को मिर्ची लगा ये लगा दिया है नमक, अभी ये इसमें डाल देते हैं, ये थोड़ा उड़ जाता है, फ्राई करते हैं। अभी ये हो चुका है, मिर्ची भी फ्राई किया, ये जरा भी तीखा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स
हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक में बताइए किस तरह आपको लगा है। देखिए एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बना है, सब सामग्री डाला है, हींग नमक सब अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक।